हर हर महादेव आप सभी को देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि आज बननी है बाटी। तो बाटी में स्पेशल क्या है कि आज की बाटी बनेगी एयर फ्राई में। तो सबसे पहले बेसिक इंग्रेडिएंट अदरक लहसुन मिर्ची चिली कटर में काटिए, प्याज को बारीक काटिए, अजवाइन ले लीजिए, मंगरायल ले लीजिए, थोड़ा सा अचार का तेल, सरसों का तेल और नींबू, ये सारा जाएगा हमारे चने वाले उसमें। और इन सबको हाथ से बिल्कुल बहुत अच्छे से मिलाएंगे। और ये देखिए अजवाइन के मंगरेल के, थोड़ा सा सरसों का तेल, अचार वाला तेल, नमक, काला नमक और नींबू, जैसे बेसिकली आप सभी लोग डालते हैं, थोड़ा धनिया पत्ता साइड, आटा इसका लगाएंगे। आटा में स्पेशल क्या है कि मोयन तो देंगे ही देंगे, लेकिन सिर्फ गेहूं का आटा नहीं लेंगे, उसमें हाफ गेहूं का आटा लेंगे और हाफ में थोड़ा मैदा, थोड़ा सूजी मिला के लेंगे और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे। बिल्कुल अच्छे से उसे गूंदेंगे जब तक एकदम सुपर सॉफ्ट ना हो जाए। इसके बाद अपने आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने को ज़रूर रख दीजिएगा। इसके बाद चलिए फटाफट इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा बटर मिक्स है, ये हमने स्टफिंग डाली अपनी डोई में। अच्छा, ये जो मैंने आटा लिया है ना वो बहुत पतला ही लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ छोटी छोटी बाटी और ज़्यादा भरावन वाली बाटी पसंद करते हैं। बस फटाफट एयर फ्रायर में 200 पे टेम्परेचर सेट करेंगे और 18 से 20 मिनट का रेशियो लगा था। कुछ 18 मिनट में भी बहुत अच्छे से पक गया था। अगर आपको बहुत क्रंची खाना तो उसे 20 मिनट कर लीजिएगा या 19 मिनट भी इनफ है। और इसे फटाफट प्लेट करेंगे दही चोखा और एयर फ्रायर बाटी। इन्जॉय करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।